सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेजोन से मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और ये है टायर इन्फिलेटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेस्क्यू टेक का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा छोटा में लिखा हुआ है रेस्क्यू टेक, ठीक है। और इसके अंदर भी मिल जाएगा, आपको दिखा दूंगा। ये रेस्क्यू टेक का टायर इन्फिलेटर है। तो इससे आप बाइक में और कार में दोनों में एयर फिल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। ये तो अमेजोन का बॉक्स है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसको मैं साइड कर देता हूँ और इसको ओपन करते ही आपको कुछ एक वारंटी कार्ड मिलेगा, ठीक है। एक वारंटी कार्ड है, आप देख सकते हैं। और इसके ड्रेस का और दूसरा भी जो प्रोडक्ट है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है। ये वारंटी कार्ड है और यहाँ पे एक अमेजोन का बिल है और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं बाद में। इसको मैं साइड कर देता हूँ और इसको अभी मेन बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से ओपन होता है और इसके अंदर जो मिलता है, मैं आपको सब निकल के, इसके अंदर तो और कुछ नहीं है ऐसा। इसको मैं अभी साइड कर देता हूँ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसके अंदर भी एक मैनुअल है, यूज़र मैनुअल। तो आप देख सकते हैं ये यूज़र मैनुअल है, कैसे यूज़ करना है इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसका भी कोई काम नहीं है, इसको आप अगर चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर ये जो मिलता है, ये आपको जो सिगरेट होल्डर है जो कार में लगता है, चार्जर का पोर्ट है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं कार में। और इससे यहाँ पे आप इसका जो है उससे उसको लगा के एयर फिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कार के लिए है और ये है बाइक के लिए। तो बाइक के लिए आप देख सकते हैं, ये जो है ये बाइक के एक पॉजिटिव में लग जाएगा, रेड वाला रेड जो है ये पॉजिटिव में लगेगा और ये जो ब्लैक है ये नेगेटिव में लगेगा। तो ये दोनों टर्मिनल आप लगा सकते हैं और इसको आप ऐसे ही छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, अब इसका जो है मैं अभी दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये मेन प्रोडक्ट है रेस्क्यू ट्यूब का, आप देख सकते हैं ये रेस्क्यू ट्यूब लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच है, जैसे कि आप देख सकते हैं इससे ऑन ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ऐसे ही होल्ड हो जाता है, आप लोगों को ऐसे ही नहीं रहता है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। आप यहाँ पे इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट पैक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मॉल है, ये मेरे मतलब हाथ के बराबर है, उससे भी छोटा है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, जहाँ ये पोर्टेबल है, जहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसके अंदर जो वायर मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वायर तो बहुत ही बड़ा है लगता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायर बहुत ही बड़ा है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा वायर है। तो आपको अगर कार में यूज़ करना है तो ये आसानी से हो जाएगा। आपको सेडान कार है या फिर एसयूवी है तो उसमें आसानी से हो जाएगा। और ये जो देख सकते हैं ये कार में अंदर की तरफ लग जाएगा, सिगरेट जो जहाँ से सिगरेट जला दिया उसका पोर्ट में लग जाएगा। और ये जो है ये ऐसे लग जाएगा। उसके बाद आप ये इसको ऑन कर सकते, यहाँ से ऑन करके टायर में एयर प्रेशर एयर फील कर सकते हैं। और बाइक में अगर करना हो तो इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये बाइक के लिए है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे फिक्स करना पड़ेगा। और ये जो टर्मिनल है, एक ये वाला पॉजिटिव में और ये वाला नेगेटिव में लगा देना पड़ेगा। फिर इसको यहाँ से प्रेस करके आप एयर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एयर गॉज भी दिया हुआ है, तो आप मैक्सिमम 80 तक एयर फिल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 80 तक एयर फिल होगा। सो ये और यहाँ पे और एक चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉर्च भी है। तो जब भी आप इसको करंट देंगे, मतलब यहाँ पे जो जब भी करंट आएगा, लाइन आएगा बैटरी से, तो ये टॉर्च है ऑटोमेटिकली जलने लगेगा, ताकि रात में कहीं पे भी पंक्चर हो जाता है या फिर आपको रात में कहीं पे भी कुछ इमरजेंसी काम होता है तो आप इससे काम चला सकते हैं। ये जो यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और इस लाइट की वजह से आप यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा बहुत रोशनी मिलेगा तो इससे देख पाएंगे कितना एयर फील हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा ही था। तो मैं अभी
इसको बाद में आप लोगों को बाइक के पास जाके दिखा दूंगा बाइक में कैसे एयर फिल करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना भूल गया था, ये आप लोगों को मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पैक में ही मिलता है, तो इससे आप जो इस ये जो है इससे आप बलून में एयर फिल कर सकते हैं, और ये जो है इससे आप फुटबॉल में एयर फिल कर सकते हैं। तो ये दोनों बेसिकली आप बलून और फुटबॉल और साइकिल किसी भी चीज़ में आप एयर फिल कर सकते हैं, इसलिए ये दो चीज़ दिया गया है। तो इसको लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा। तो इसको लगाने के बाद आप साइकिल में भी एयर इससे इसको यहाँ से लगाने के बाद साइकिल में और बलून में और फुटबॉल में कहीं पे भी एयर फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ये जो बैटरी का बॉक्स आप देख सकते हैं, ये जो बैटरी का बॉक्स है इसको खोलना पड़ेगा, और इसके लिए आप लोगों को चाबी का की का ज़रूरत होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे घुमा के ऐसे खींचने से ये खुल जाएगा, ठीक है। सो इसको आप साइड में रख दीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। सो इसको आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा ऐसे एक ऐसे स्क्रू ड्राइवर के मदद से, आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। सो ये जो स्क्रू है इसको ऐसे पूरा निकाल लीजिए, और ये जो है रेड वाला पॉजिटिव वाला इसको ऐसे यहाँ पे देखे ऐसे फिक्स कर दीजिए। चलिए मैं फटाफट इसको और इसको दोनों को लगा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, जब ये पूरा फिटिंग हो जाए तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये आप लोगों को बाहर रखना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो बैटरी का कवर है इसको आप लोग लगा दीजिए जैसे था, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए ऐसे यहाँ से ठीक है ऐसे यहाँ से चाबी बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये फिटिंग हो चुका है, और ये जो देख सकते हैं आप, ठीक है, ये बाहर ही रहेगा, ठीक है, ये बाहर रहेगा, और इसके साथ आप लोगों को अटैच करना है ये जो मशीन का जो वायर है, आप देख सकते हैं, मैं निकाल लेता हूँ, ये मशीन का वायर है, ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे इसको खोल के ये यहाँ से ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्विच है इसको प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। सो अभी चलिए मैं व्हील पे एयर फिल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस, इसमें एयर फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो एयर कैप है इसको खोलना पड़ेगा। सो इसको आप खोल लीजिए ऐसे, और उसके बाद मैं आप लोगों को इससे दिखा देता हूँ एक बार कि इसमें अभी कितना एयर प्रेशर है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अभी कितना एयर प्रेशर है, इसमें अभी 20 दिखा रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एक बार मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अभी 20 भी नहीं 18 PSI दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे था, मतलब 18 PSI एयर था। सो चलिए मैं इसको एयर फिल करके दिखाता हूँ आपको, और एयर फिल करने के लिए ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैप है, इस कैप को यहाँ पे आपको ऐसे घुमा के फिटिंग करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये कैप को यहाँ से घुमा के पूरा ऐसे टाइट कर देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इसको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, इसको प्रेस करने से ऑन हो जाएगा।
सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एयर फिल हो चुका है और अभी ये 32 पे है, 32 नहीं, हाँ 32 पे है जैसे कि देख सकते हैं। और 18 PSI से 32 PSI फिल हुआ, जस्ट मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड में ये फिल हो गया। और इसको इसको आप जैसे लगाए थे उसको ऐसे खोलना पड़ेगा, इसको देख सकते हैं ये खुल गया है। तो इसको आप ऐसे खोल सकते हैं और उसके बाद ये एयर कैप निकाला था उसको लगा दीजिए, तो हो गया आपका बाइक में या कार में एयर फिल हो जाएगा ऐसे। और ये जो एयर गॉज है ये एकदम सही काम करता है, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाया, दोनों पे ही सेम दिखा रहा था, ठीक है, दोनों पे ही सेम दिखा रहा था। सो अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो ये रेस्क्यू टेक का प्रोडक्ट है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट जल रहा है, तो इससे रात में देखने में आसानी होगा।